नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर कंप्यूटर साइंस में जो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन बना हुआ है कि कौन एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस के लिए, कौन नहीं एलिजिबल है, बीसीए वाले के लिए बीएड जरूरी है या नहीं है, बीसीए वालों के लिए क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। इससे पहले जो भी बच्चा कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहता है और आप चाहते हो कि आपके लिए डेडिकेटेड परीक्षा प्लस एक बैच लेकर आए विथ एक प्रॉपर नोट्स के साथ, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि सर हम इंटरेस्टेड हैं, हमें कंप्यूटर साइंस का बैच चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 8000 पोस्ट है आपके पास, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। बाकी बच्चे जो प्राइमरी का तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा प्लस निःशुल्क में बैच चला रहा है, आप इस बैच से जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर ले, वहां पर आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से आपका बैच होगा जिसमें क्लासेस आपको फ्री दी जा रही हैं, और जिन्हें उसके नोट्स लेना है तो उसके लिए नाम मात्र 399 का शुल्क है, जिसे आप जमा करके आप नोट्स भी ले सकते हैं और उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए, जो मेन कंफ्यूजन है आपको कंप्यूटर साइंस की आहार्ता को लेकर, उसके बारे में हम बात करेंगे कि बीएड आपके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, बीटेक सीएसआईटी वालों के लिए चाहे डिप्लोमा सीएसआईटी वाले एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं, क्या कंप्यूटर साइंस के लिए एस्टेट का पेपर दूसरा क्वालिफाई होना जरूरी है कि नहीं, इन सभी सवाल जो आप लोगों ने कमेंट में पूछा है इन सभी का जवाब आप मिल जाएगा, आप एकदम क्लियर होकर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मेन हम पहले आहार्ता की तरफ आपके चलते हैं कि जो आहार्ता दी गई है कंप्यूटर साइंस के लिए उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो कक्षा 11-12 का जो कंप्यूटर साइंस का आपका है, इसमें अगर हम देखें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ या निम्न विषय या समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से प्राप्त उपाधि या DOASE से स्तर में एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। मतलब 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOASE से स्तर की क्या होना चाहिए, ए लेवल होना चाहिए। मतलब अगर आपका डोएक से ए लेवल है, ठीक है, प्लस आपके साथ पीजी है तो आप एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो दूसरा जो आपका दिया गया है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस, मतलब आप बीटेक CSIT है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अथवा समकक्ष उपाधि हो या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो। मतलब अगर आपने डिप्लोमा भी किया है, कोई भी बीएड की आवश्यकता यहां पर आपको नहीं है, मतलब आपके लिए बीएड नहीं चाहिए, यह ध्यान रखिए। अगर बीटेक CSIT से है, डिप्लोमा CSIT से है तो आप एप्लीकेबल हैं 11, 12 के कंप्यूटर साइंस का टीचर बनने के लिए। उसके बाद से क्या दिया गया वो नहीं है, तो ये होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था से किसी स्ट्रीम में बीई या बीटेक, मतलब अब बीई बीटेक आपका, पहले तो बीई होता था, अब बीटेक आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आपका मैकेनिकल से है आपका, ठीक है, जो भी ब्रांच होगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी अदर ब्रांच है, तो वो ब्रांच तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इसके साथ दूसरे आपके बक्तर बोल दे बीटेक आपका किसी और ब्रांच से है और आपके पास अगर PGDCA है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर में, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब बीएड नहीं जरूरी है आपको, मतलब बीटेक CSIT ही सिर्फ आपका अगर बोला जाए कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भर सकता है, बाकी जो ब्रांच है उसके लिए PGDCA जरूरी है, ठीक है, यह ध्यान रहे। और क्या बोला है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अगर यह नहीं है तो आपको कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, ठीक है, या MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से के समकक्ष हो कुछ भी, मतलब आप अगर या MSc कंप्यूटर साइंस है,
ठीक है, आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस है या आप एमसीए किए हुए हैं, आपको बीएड की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो या इसके समकक्ष कोई अर्हता हो। उसके बाद बोला है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, मतलब आप अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस बीएससी है और आपने बीसीए, ठीक है, बीसीए आ इसके समकक्ष किसी भी विषय में क्या क्या किया हो, अगर आपने हाँ या समकक्ष बीसीए के समकक्ष जो भी होता हो, एवं किसी भी विषय में आपने क्या किया हो, पीजी किया हो, यह ध्यान रखिएगा। आपको आप बीएससी हो कंप्यूटर से हो, अगर आपने पीजी किसी से कर लिया है, बोला ना यहां पर देखा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीसीए या समकक्ष, एवं यहां एवं लग गया, किसी विषय में स्नातकोत्तर, मतलब आप बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो या आपका बीसीए हुए हो, जो भी हो, इसके साथ आप पीजी हो और पीजी किसी भी सब्जेक्ट में हो, यह आपका किसी भी विषय में हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो पीजी हो यह किसी भी विषय में हो, बस पीजी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका यह मेन होना चाहिए कि आप बीएससी कंप्यूटर से हो या बीसीए हो, तब आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बोला है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, ठीक है, यहां पर क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, डिप्लोमा हो, मतलब पीजीडीसीए आपका है और साथ ही साथ आप क्या है, पीजी है किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी एनी सब्जेक्ट, ठीक है, एनी सब्जेक्ट से अगर आप पीजी हैं, बोला ना पीजी हो की उपाधि हो, किसी भी विषय में आपको पीजी की उपाधि हो, अगर आपने पीजीडीसीए किया है और पीजी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर टेक्निकल डिग्री इधर नहीं है, कोई जनरल डिग्री है और आपने पीजीडीसीए किया है और पीजी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डीओई एसीसी से स्तर पर बी, मतलब डोएक के स्तर पर आपका बी लेवल कोर्स हो, ठीक है, और किसी विषय में आपका क्या हो, पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट आपका एनी सब्जेक्ट में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यह समझ में आ गया। फिर आपका बोला सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डीओएसीसी, मतलब डोएक से स्तर पर सी हो, मतलब वही डोएक स्तर पर आपका सी का कोर्स हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, ठीक है, तथा किसी मान्यता और क्या हो आपका ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएट हो तो आप क्या कर सकते हैं, डोएक से सी लेवल हो और ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, तो ये आपके हो गए। उसके बाद से क्या बोला है कि अगर एमसीए आपने किया है, ठीक है, एमसीए अगर आपने 3 वर्षीय कोर्स किया है, 6 सेमेस्टर का अगर आपने किया है तो आप एप्लीकेबल हैं। साथ ही साथ क्या बोला, देखो कक्षा 11-12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका क्या है, 5% छूट दिया जाएगा आपके मिनिमम जो 50% वाला जो बोला गया उसमें। और एक शब्द यहां साफ साफ बोला है कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता जरूरी नहीं है। तो ओवरऑल एक और अगर आप जाओगे तो एक चीज तो इसमें कंफर्म है कि एस्टेट मांगा है, ये तो आपका ये हो गया, बाकी आपका जो अर्हता परीक्षा पास होना चाहिए वो आपका पात्रता परीक्षा वो जरूरी है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए, साइंस के टीचर की अगर हम बात करें यहां पर कौन से, अगर 11 और 12 की बात करते हैं यहां पर 11-12 में, तो यहां पर सिंपल सी बात किया जाए तो अगर आपके पास बीटेक है, सीएसआईटी, बाकी ब्रांच के बारे में मैंने जिक्र कर दिया है, तो बीटेक सीएसआईटी वाले, ठीक है, या बीटेक अदर ब्रांच, दोनों लिख दे रहे हैं, मेन यही होता है, बीटेक होता है यहां पर डिप्लोमा, डिप्लोमा सीएसआईटी है ना, डिप्लोमा सीएसआईटी, उसके बाद से और लगा दें बीटेक, यहां पे अदर ब्रांच हम कर दें अदर ब्रांच, तो यहां पे बीटेक अदर ब्रांच हो गया। उसके बाद यहां इनके साथ क्या होना चाहिए, अगर बीटेक सीएसआईटी या डिप्लोमा सीएसआईटी है
तो ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके पास क्या होना चाहिए, एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट का जो पेपर होता है वो दूसरा पेपर क्वालिफाई आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक अदर ब्रांच प्लस पीजीडीसीए आपका है, प्लस आपके पास अगर एस्टेट पेपर 2 है तब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसे ही बीसीए वालों के लिए भी है, जैसा मैंने कहा एस्टेट तो आपको जरूरी है, जितने भी ये है कोर्स आपको यहां पर एस्टेट पेपर आपको चाहिए ही, पेपर 2 चाहिए ही। ठीक है, सब में आपका एस्टेट चाहिए, किसी में ऐसा नहीं है कि एस्टेट नहीं मांगेगा, चाहे एमसीए हो, चाहे आपका एक तरह से बोला जाए बीसीए वाला भी था ना, यहां पर देखो बीसीए पीजी, मतलब बीसीए के साथ अगर आपने पीजी किया है तो यहां पर भी एस्टेट आपका चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अब ये मैं ऐसे नहीं बोला, कुछ बच्चे अभी मुझे इस वीडियो के बाद कहेंगे अरे आप नहीं कुछ जानते, सही से नोटिफिकेशन पढ़िए। मैं नोटिफिकेशन क्या आपको मैं बताऊं, जो एस्टेट होता है, एस्टेट जो जितने लोग पास हैं, हकीकत यही है कि ओवरऑल 8000 के अप्रोक्स वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस में, और एस्टेट जो पास बच्चों की संख्या अगर मैं बता दूं जो हुआ है, वो एस्टेट पास बच्चों की संख्या सिर्फ मात्र 17000 बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हो कितना कम कंपटीशन है एस्टेट अगर मांगा है तो, जो उनके नोटिफिकेशन है। देखो मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, अगर बिना एस्टेट वालों को लेना है तो उनको नोटिफिकेशन में जैसे इन्होंने कहा कि बीएड जरूरी नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए, ऐसे ही उनको एक और पॉइंट लिख के लिख देना चाहिए था कि एस्टेट जरूरी नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मैं तो समझता। लेकिन जो आपके नोटिफिकेशन में पॉइंट लिखा गया है उसके बिहाफ पे ही मैं बता रहा हूं कि आपको एस्टेट चाहिए, एस्टेट जरूरी है। अगर ये ऐसा है तो कंफ्यूजन ये क्योंकि बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्लियर तो किया नहीं है, तो नोटिफिकेशन तो यही बोलता है कि एस्टेट चाहिए, और एस्टेट अगर हम बात करें तो मात्र 17000 बच्चे ही कंप्यूटर सब्जेक्ट से एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं। और ये जो आहारता है ना, कोई नई आहारता नहीं है, मैं एस्टेट 2019 का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये देखना। हाँ, ये देखिए एस्टेट 2019 का ये नोटिफिकेशन है, आप देख रहे होगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना 2019 का ये एस्टेट का नोटिफिकेशन है, यहां पर देखिए। ठीक, अब यहीं पर मैं अगर हम बात करें, हाँ ये देखो ये पेपर 2 की बात कर रहा है, ये पेपर 2 परीक्षा के विषय यहां पर दिया है, पेपर 2 के लिए जो एस्टेट पेपर 2 है इसके लिए अगर विषय की बात किया जाए तो अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, प्राणी वनस्पति और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसके लिए जो जो यहां पर दिया है ए लेवल डोएक से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, बीई बीटेक होना चाहिए, वही बोला है कि अगर आपका ए लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट किसी सब्जेक्ट से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम आपका पहला इसमें भी बोला है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का टीचर 11-12 में बनना है तो यही आपका एलिजिबिलिटी है जो उसमें बोला गया है। तो एस्टेट के पेपर 2 के लिए अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप देना चाहते थे तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी यही था, यहां पर कहीं भी बीएड नहीं मांगा था, यहां पर भी बीएड कहीं नहीं मांगा था, यह ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें थी वही वही मांगा था यहां पर। ठीक है, साफ साफ बीई बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी से, या बी लेवल कोर्स आपका हो डोएक से, या एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी सब्जेक्ट में, सी लेवल आपका कोर्स हो डोएक से, और आपके पास क्या हो ग्रेजुएशन हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो इस सब्जेक्ट में एस्टेट पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो जे में यही आहारता आपका कहीं ना कहीं इसमें जो आपका शिक्षक भर्ती है उसमें भी मांगा गया है, जो आपकी शिक्षक भर्ती की आहारता है सेम आहारता आपका इसमें भी मांगा गया है। ठीक है, तो यह कंफर्म है कि जब उन्होंने एक साफ साफ लिख दिया है कि अगर आपको 11 और 12 का टीचर बनना है तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, उसके लिए आपका एस्टेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। ठीक है, अब उसके डिपेंड ये करता है कि जो बच्चे इधर बीटेक किए हैं 2019 तक पास हैं और 19 के बाद जब हुआ ही नहीं एस्टेट, अब वो क्या करें,
वो बीटेक सीएसआईटी से किए हैं तो अब वो क्या करें? तो अब आपको यही करना है, ऐसे बच्चे काफी होंगे, तो आपको इसका जवाब आयोग से मांगना है। आरटीआई दायर करिए, उनको मेल करिए, आप आयोग के पास जाइए कि आप बच्चे इसी पर धरना भी दे रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब एस्टेट ही नहीं हुआ तो हम कहां से कंप्यूटर में एस्टेट दे देंगे। तो सच्चाई तो यही है नोटिफिकेशन की, चीख चीख के कह रही है कि भैया आपके पास ये डिग्रियां होने के बाद आपको एस्टेट जरूरी है। भला ही आपको बीएड नहीं जरूरी है, लेकिन एस्टेट पेपर दूसरा आपका उस कंप्यूटर से क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। बाकी इसके बाद भी अगर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, समस्या, दुख दर्द है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर को कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान हो। कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन बहुत ही झोल है, एक तरह से बोला जाए कि ये जो आपके चेयरमैन साहब इतने दिन से बस लपेट रहे हैं, ये लपेटने का काम किए हैं, तो ये समझो कि क्लियरेंस कुछ नहीं दिया, बस बीएड का क्लियरेंस दे दिए लेकिन एस्टेट वाले बच्चों के लिए क्लियर नहीं किए। आखिर एस्टेट जिन विषयों में नहीं हुआ है उनका क्या होगा? तो इसका जवाब उनको देना होगा। हो सकता है कि अगर बच्चे ऐसे ही कंप्लेन करेंगे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो कुछ बातें निकल के आएंगी, लेकिन आप लोगों को ही इसके लिए कदम उठाना होगा। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए आयोग से और आरटीआई दायर करके आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर करिए। हम भी अपने स्तर पे कोशिश करेंगे कि जो चीजें गलत हैं उसको कहीं ना कहीं उस पर आपका बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त की जा सके। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।